हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने LIC के IPO के बारे में बात करने जा रहा हूं। इसके ऊपर जो है ना, एक बहुत बड़ी न्यूज आई है आज के दिन में, जिसके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, ये कितने बड़े लेवल पर है और हमें इस IPO में सब्सक्राइब करना है या नहीं, इस वीडियो को देखने के बाद आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको कुछ जरूरी बातें बताना चाहता हूँ LIC के बारे में, ताकि आप समझ पाए ये कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। 1956 में LIC जो है वो 245 इंश्योरेंस कंपनी को मिलाकर बनाई गई थी। आपको शायद ये नहीं पता होगा, लेकिन ये सच है। और 44 सालों तक इसका कोई भी कंपटीशन नहीं था। आप बात कर लीजिए घर घर की, सभी के पास में ऑलमोस्ट LIC का इंश्योरेंस होता ही था। आप चाहें तो अपने भी फादर से और उनके फादर से पूछ सकते हैं कि कितनी डिमांड थी LIC की। जो भी क्लेम अमाउंट था आपका, उसको जो है गवर्नमेंट जो है उसकी गारंटी देती थी, जो कि सबसे बड़ी बात है। तभी आपका इतना भरोसा था LIC के ऊपर। और दोस्तों, ये इंडिया का बिगेस्ट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। LIC ने 15% स्टेक ITC और L&T के लेकर रखे हुए हैं। ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है जो शायद आपको ना पता हो। 2016 और 17 में इसने रिकॉर्ड तोड़ जो है पॉलिसीज सेल की थी। तकरीबन 2 करोड़ पॉलिसीज को उन्होंने सेल किया था। तो ये सब कुछ इंटरेस्टिंग बातें थी LIC के बारे में, जो मुझे लगता है कि शायद आप भी जानने में इसमें इंटरेस्टिंग होंगे वैसे भी। और अगर आप LIC के IPO में सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो भी। अभी चलिए एग्जैक्टली न्यूज क्या है हम उसको भी जान लेते हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं द फेवरेट स्टॉक। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आप टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन पा पाए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल भी दिया हुआ है, उसे भी जाकर ज्वाइन कर लीजिए। बहुत सारी एक्सक्लूसिवली खबर वहां पर मैं पोस्ट करता रहता हूं, जो आपके लिए डेफिनेटली बेनिफिट वाली हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज ही न्यूज आई है कि LIC का जो IPO है उसमें गवर्नमेंट में सेल अप टू 25% स्टेक, मतलब जो है पहले 10% का था कि गवर्नमेंट जो है अपना 10% स्टेक को सेल करेगी, बट नाउ आज ये खबर निकल के आ रही है कि अभी IPO और बड़ा होने वाला है और 25% स्टेक जो है वो IPO में आने वाला है। गवर्नमेंट 25% स्टेक को सेल करने वाली है। पूरी खबर क्या है, लाइन बाय लाइन अपन देख लेते हैं। द मच अवेटेड ब्लॉकबस्टर इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग IPO ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, दैट इज LIC, पोटेंशियली इंडियाज बिगेस्ट एवर। मैंने आपको बताया इसका कारण भी क्या है, मैंने आपको सारी चीजें बताई हैं। कुड टर्न आउट टू बी मच बिगर देन एक्सपेक्टेड। 10% का ऐसा समझ में आ रहा था कि IPO आ सकता है, बट द न्यूज इज कि ये अब 25% का रहेगा। तो जो एक्सपेक्टेशन है आपकी, उससे काफी बड़ा ये IPO होने वाला है। तो दोस्तों, यहां पर लिखा हुआ है कि जो गवर्नमेंट है वो 25% का जो स्टेक है उसके लिए प्रपोजल सेल करने का देने वाली है। और इसमें एक और बात भी इन्होंने कही है कि इसमें कुछ बोनस डिस्काउंट भी अवेलेबल करवाएगी। ये रिटेल इन्वेस्टर के लिए दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं। पूरी चीजें अभी निकल कर आनी बाकी हैं, लेकिन मोटा मोटा यहां पर उन्होंने ये बताया हुआ है, ये जो है अभी 10% से 25% करने वाले हैं और साथ ही में बोनस डिस्काउंट भी हमको देने वाले हैं। अभी इसमें बड़ी बात क्या है दोस्तों, नरेंद्र मोदी सरकार जो है, नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट जो है वो ये सोच रही है, ऐसी होप लेकर चल रही है कि जो LIC का IPO आ रहा है उससे हम जो बजट -23.9% गया है, आप सभी जानते होंगे इसके बारे में, उसको थोड़ा बहुत जो गैप अप है उसको फिल आउट कर पाए। इसीलिए इन्होंने 10% से इसको 25% किया हुआ है। अब ये सोच सही है या गलत है ये तो आप डिसाइड करेंगे दोस्तों, लेकिन गवर्नमेंट का ऐसा सोचना है कि शायद इस IPO से थोड़ा बहुत जो है जो गैप है उसको ये कवर कर पाएंगे। आप सभी जानते हैं कि इतना बड़ा जो GDP में अभी हमको माइनस में हमको जो ये ट्रेंड दिखा है -23.9 का,
बहुत सारे रीजन है इसके पीछे। चाहे सी बात है, लॉकडाउन भी था यहाँ पर, उस चीज को बताया गया है कि सारे बिजनेस जो थे वो बंद थे लॉकडाउन के अंदर, इसीलिए इतना बड़ा क्राइसिस हुआ है। तो शायद तो जहां जहां से इनको थोड़ी बहुत मदद मिल सकती है ये वहां वहां से ट्राई कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है द एलआईसी स्टेक सेल इज एक्सपेक्टेड टू प्ले अ स्टेयरिंग रोल इन दिस स्ट्रेटेजी। अर्लियर देयर वाज टॉक दैट ओनली 10%, मैंने आपको पैसे के पहले बताया, ऑफ द इंश्योर वुड बी ऑफ लोडेड। पहले केवल 10% की बात चल रही थी, नाउ इट इज 25%। लेट सी इससे क्या निकल कर आता है और इस आईपीओ में कितने लोग इंटरेस्टेड होते हैं। इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि एलआईसी का जो आईपीओ है वो वन ऑफ द बिगर आईपीओ होने वाला है। और डेफिनेटली मेरी भी आपको ये सलाह रहेगी कि इस आईपीओ का मौका आप बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। जैसे ही ये आईपीओ आता है, आप खुद अपने फैमिली और आपके अकाउंट से इस आईपीओ को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन आप अपनी फैमिली को खुद के अकाउंट से भी सब्सक्राइब करेंगे तो आई होप आपको ये मिल पाएगा। अभी तक अगर आपका डीमैट अकाउंट नहीं है तो दोस्तों इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा अकाउंट खुलवाने का। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दो लिंक दिए हुए हैं। पहला जो लिंक है वो है इंडिया के नंबर वन ब्रोकर का, जीरोधा का। यहाँ पर मात्र 200 रुपए में आप अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। अगर आपको म्यूचुअल फंड भी बाय करना है तो इसके अलग से ऐप इन्हें दी हुई जो कि बिल्कुल फ्री है, कॉइन ऐप का नाम है, जहां से आप सारे म्यूचुअल फंड भी बाय कर सकते हैं। प्लस इनके टेक्निकल टूल्स जबरदस्त है दोस्तों, आपको एक प्रीमियम फीलिंग आती है इस टूल को यूज करने के बाद में। फिर भी अगर आप 200 रुपए खर्च करना नहीं चाहते हैं तो फ्री में आप अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। मैंने एक और यहां पर लिंक दिया हुआ है दोस्तों, यहां पर क्लिक करने के बाद में आपका अकाउंट एकदम फ्री में ओपन हो जाएगा और ये ब्रोकर भी काफी अच्छा है। साथ ही में ये बहुत सारी एनालिसिस जो है आपको ऑटोमेटिक करके देता है, जो कि बहुत बड़ा एक बेनिफिट है। अकाउंट को ओपन करवाने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी आधार कार्ड की, पैन कार्ड की, कैंसिल चेक की और आपका मोबाइल जो है वो आधार कार्ड के साथ में लिंक होना चाहिए। बस ये 4 डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है। अगर आपको एफएनओ वगैरह में ट्रेडिंग करनी है देन आपको 6 मंथ का स्टेटमेंट भी देना होता है, जो कि मैंने यहां पर लिखा है। अदरवाइज केवल 4 डॉक्यूमेंट से आपका काम हो जाएगा, 1 दिन के अंदर आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। अगर अभी आप क्लिक करते हैं तो आज ही आपकी सारी प्रोसेस ऑनलाइन हो जाएगी, आपको कहीं भी जाना नहीं पड़ेगा और कल से ही आप ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हो। तो दोस्तों ऐसे मौके को जाने बिल्कुल भी मत दो। ऐसे आईपीओ साल में एक आधी बार आते हैं, हमने देखा था अभी SBI कार्ड आया था, डेफिनेटली कोरोना के टाइम पे वो डाउन गया, लेकिन आज की डेट में आप उसका रेट देख सकते हैं कितने अच्छे लेवल पर वो ऑलरेडी आ चुका है। LIC इज वन ऑफ देम। ये मौका आप अपने हाथ से बिल्कुल भी जाने मत देना। ऑल्दो आज के दिन ही एक और आईपीओ भी लॉन्च हुआ है जो कि बहुत अच्छा है, हैप्पीएस्ट माइंड का। ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया था और वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से ऊपर जाने वाला है। पूरी डिटेल के लिए मेरे चैनल को आप चेकआउट कीजिए और हैप्पीएस्ट माइंड का वीडियो जरूर देखिए। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है उस आईपीओ को तो मेरी सजेशन ये रहेगी कि मैंने सब्सक्राइब कर लिया है, आप अपनी खुद की एनालिसिस कीजिए। मैं बाय और सेल की रिकमेंडेशन तो नहीं दे सकता, लेकिन हाँ मैं ये बोल सकता हूँ कि मैंने जरूर, एज अ डिस्क्लेमर, मैंने इसको जरूर अप्लाई किया हुआ है और आप भी अपनी एनालिसिस के बाद में उसके बारे में सोच सकते हैं। बाकी अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। दोस्तों नीचे कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको कौन सा आईपीओ पसंद है और उस आईपीओ का नाम जरूर लिखिए। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लाता रहता हूं। बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।